हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राशिद खान। मैं इंडिया से हूँ और इस वक्त सऊदी अरब में हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सऊदी अरब का गांव कैसा होता है, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। तो दोस्तों, यहाँ से आपको दिखाना शुरू करते हैं। और जो ये विलेज है, ये दमाम सिटी से काफ़ी दूरी पर है, लगभग 150-160 किलोमीटर दूरी पर है। ये जो सऊदी अरब के जो सिटी होते हैं उसके साइड में जो होते हैं, तो टाउन एरिया होते हैं या विलेज एरिया होते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना सुंदर सा विलेज है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ सफाई है। ये जितने भी सब लाइन से घर बने हुए हैं, यहाँ पर बीच में रोड होती है बहुत चौड़ी सी और दोनों तरफ घर बने होते हैं। और घर के बाहर देखिए, यहाँ पर लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, क्योंकि हर घर के बाहर आपको यहाँ पर गाड़ियाँ दिख जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइड में एक मस्जिद है और यहाँ पर आपको दिखाना शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर थोड़ी सी रोड पतली है, ये अधगली है, गली के अंदर से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ घर बने हुए हैं। यहाँ पर थोड़े से घर पुराने हैं, बाकी कहीं कहीं पर ऐसा होता है एकदम नए घर बने हुए हैं। इधर थोड़ी नई बस्ती भी बसी हुई है, तो आगे आपको दिखाते हैं। बाकी सऊदी अरब में पेड़ बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो आउट एरिया है वहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं सऊदी अरब में। तो यहाँ पर देखिए, चारों तरफ घर बने हुए हैं, बीच में कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। खजूर के पेड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर घर के बाहर, हर घर के अंदर यहाँ पर खजूर के पेड़ ज़रूर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर भी आप लोग देखिए, दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको गाड़ी दिखेंगी, हर घर में लगभग 2-4-5 गाड़ियाँ होती हैं। घर में जितने भी लोग होते हैं उतनी गाड़ियाँ होती हैं। तो ये जो सऊदी अरब का विलेज है, यहाँ पर आपको पेड़ दिख रहे होंगे, ये नीम के पेड़ लगे हुए हैं। वैसे सऊदी अरब में जिसे हमने आपको बताया, बहुत ही कम पेड़ देखने को मिलते हैं और यहाँ पर धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस एरिया में पेड़ पौधे बहुत लगे हुए हैं और काफ़ी साफ सफाई यहाँ पर होती है। आपको रोड एकदम साफ दिखेंगे। इधर से आपको दिखाना शुरू करते हैं, तो ये मेन रोड का एरिया है। देखो, ऊपर घर बने हुए हैं, नीचे मार्केट है। देखिए यहाँ पर कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं और नीचे पूरी मार्केट है। आज जुमे का दिन है तो बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा है, बंद हैं सारी दुकानें और ये शाम को सब खुलेंगे, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और जुम्मे को छुट्टी रहती है, तो जुम्मे वाले दिन दुकानें ज़्यादातर बंद रहती हैं। कुछ ही दुकानें खुली होती हैं, बाकी सारी दुकानें बंद रहती हैं। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही कम दो मंजिला घर देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा एक मंजिला घर बने होते हैं, बहुत ही कम दो मंजिल के घर होते हैं। देखिए इधर भी कितनी चौड़ी रोड बनी हुई है और ये घर भी कितना खूबसूरत बना हुआ है। बाहर से आपको जो यहाँ पर घर होते हैं वो सादे दिखेंगे, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। बाहर यहाँ पर ज़्यादा डिज़ाइन घर के बाहर नहीं बनी होती हैं। ये देखिए, पूरी मार्केट है, ये लाइन से सारी दुकानें हैं यहाँ पर, और ऊपर घर बना हुआ है और पीछे जितनी भी पूरी बस्ती है बसी हुई है। यहाँ पर इतना सन्नाटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये रोड का एरिया है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दोपहर का वक्त है, धूप बहुत ज़्यादा है, तो आपको कितना सन्नाटा यहाँ पर लग रहा होगा, कोई आसपास नहीं दिख रहा है। ये देखिए घर कितना खूबसूरत बना हुआ है, ये बहुत ही बड़ा घर बना हुआ है। देखिए ये बाहर से कितने सादे घर दिख रहे हैं, आप इनके अंदर देखोगे तो अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये देखिए, ये हम रोड से आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी बस्ती है। देखिए लाइन से सर घर बने हुए हैं और हम रोड के इस तरफ से गाड़ी से आपको दिखा रहे हैं। देखिए कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर जा रही हैं। ये बस्ती के अंदर है अभी हम। देखिए यहाँ पर भी खजूर के पेड़ लगे हुए हैं और मोटरसाइकिल आपको तो एक भी नहीं दिखूंगी अब तक, सिर्फ यहाँ पर फोर व्हीलर ही दिख रही हैं। देखिए यहाँ पर घर जो भी यहाँ घर बने होते हैं, सब लाइन से घर बने हुए होते हैं। देखो दोनों तरफ लाइन से बने हुए हैं, बीच में कोई जगह वगैरह नहीं है और साइड में गाड़ी खड़ी करने की जगह होती है। दोनों तरफ घर बने होते हैं, बीच में गाड़ी खड़ी करने की जगह होती है। यहाँ पर भी देखिए खजूर के पेड़ लगे हुए हैं और गाँव के अंदर आपको कितनी साफ सफाई दिख रही होगी, बिल्कुल साफ सुथरा गांव है। ये आपको रोड का एरिया दिखा रहे हैं। देखिए यह अभी हम रोड पर आ गए हैं और ये भी पूरी मार्केट है। देखिए बीच में यहाँ रोड पर खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। रोड भी काफ़ी चौड़ी होती है, एक तरफ जाने का रास्ता होता है, एक तरफ आने का रास्ता होता है। यहाँ पर चाहे शहर में हो या गाँव में हो, आपको रोड एक जैसी दिख जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।